हेलो माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनम वर्मा और आज मैं फिर एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो स्टार्ट फ्रॉम टॉप साइड। हमने जो पॉनीटेल ऊपर टॉप साइड में बनाया है उसको आप आगे की साइड फ्रंट साइड पॉनीटेल को डालना है और बॉबी पिन से आपको उसको अटैच करना है। देन बनाना पफ को आपको उसके चोटी के बीच में लगाना है और पफ बनाना है। इस तरह से आप देख सकते हो पफ का स्टाइल आ जाएगा और बहुत इजी भी है। इस तरह से आपको पफ बनाना इजी भी पड़ेगा। सो आप इसको अच्छे से सेट करके पफ स्टाइल में इसको पकड़ के अच्छे से इसको सेट करना है एंड देन बॉबी पिन से अटैच करना है। और स्प्रे करना है पफ पर, अच्छे से स्प्रे करना है जिससे कि कोई छोटे मोटे जो बाल होते हैं वो अच्छे से आसानी से उसको सेट हो जाए और कॉम से जो नीचे जो निडल होती है उस निडल से अच्छे से आपको स्प्रेड करना है, एक तरह से चिपकाना है आपको। And then from front side so front side and make a two partition and a left and right। जो हमने दोनों तरफ जो बाल निकाले हैं वो 1 inch आई थिंक 1 inch विथ है इसकी और उसमें से टू पार्टीशन करने हैं। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आपको दो सेक्शन में लेना है और उसको इस तरह से आपको एक चोटी गोनी है और इसमें से आपको एक एक बाल पुल करना है। ये देखिए आपका ये बाल ऐसे पुल करना है। आपको हर एक जो चोटी हमने गोई है उसमें से एक एक बाल को पुल अप करना है इस तरह से एज अ शोइंग। जब आपकी चोटी पूरी हो जाती है तो फिर आपको उसको राउंड करना है एक फ्लावर टाइप। ऐसे आप राउंड करोगे तो एक फ्लावर बन जाएगा। उसको फिर ऊपर आपको अटैच करना है, बॉबी पिन से अटैच करना है। सो आपका 1 फ्लावर कंप्लीट है। फिर ऐसे ही सारी सेक्शंस जो हमने लिए हैं 3 सेक्शन और हैं उसमें भी इसी तरह से जैसे कि आप देख रहे हो इसी तरह से आपको गोना है और बाल को पुल करना है इस तरह से पुल करना है।
तरह से फिर आपको राउंड करना है। राउंड करने के बाद ऊपर अटैच कर देना है बॉबी पिन से। ये देखिए ऐसे बहुत खूबसूरत आपका हेयर स्टाइल आएगा। इसी तरह थर्ड जो हमने सेक्शन है उसका भी इसी तरह से बियर्ड बनानी है। इस तरह से फ्रिंज टेल स्टाइल में इस तरह आप देख रहे हो, इस तरह से आपको बनानी है पूरी चोटी। ऐसे चारों सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे फ्लावर से। इस तरह से देखो ये पुल हो रहा है ना, इस तरह से पुल अप करना है। इस तरह से आपके फोर फ्लावर्स कंप्लीट हैं। देन बैक साइड, बैक साइड में जो हमारे पफ बनाया है उसके जो नीचे बाल हैं जो हमने पिनअप करे हैं उसके जो बाल हैं पफ के, उसमें से दो सेक्शन करने हैं और उस सेक्शन को फिंगर की हेल्प से होल्ड करना है हेयर को और एंड रोटेट करना है इस तरह से। ये आप देख रहे हो, इस तरह से आपको रोल करना है। रोल करने के बाद आपको बॉबी पिन से बीच में आपको अटैच करना है, बॉबी पिन को लगाना है बीच में से। इसी तरह से दूसरा सेक्शन भी आपको राउंड करना है। दो फिंगर के बीच में आप हेयर को पकड़ के होल्ड करके उसको राउंड करना है। इस तरह से राउंड करोगे तो एक बहुत प्यारा सा आपका एक राउंड हेयर स्टाइल बनेगा। इस तरह आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा राउंड आया है। इस तरह से आपको राउंड करना है और बीच में आपको बॉबी पिन से अटैच करना है। एंड देन जो हमारे बॉटम साइड हेयर है उसको थ्री सेक्शन करने हैं इक्वल। मतलब फर्स्ट सेक्शन में आपको अच्छे से स्प्रे करना है, बहुत अच्छे से स्प्रे करना है, जिससे कि लाइक आपकी पट्टी होती है ना उस तरह से एक पट्टी का शेप बनाना है। और
और फिर उसको रोटेट करते जाना है। रोटेट करते वक्त उसको आपको कर्व देना है, कर्व देके रोटेट करना है और उसको अटैच करना है बॉबी पिन से। हेयर इज शोइंग सो ब्यूटिफुल माय हेयर स्टाइल। देन सेकेंड स्टेप भी आपको इसी तरह से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको कॉम से स्प्रेड करना है अच्छे से उसको। उससे क्या होता है ना, कॉम करने से कि आपके बाल चिपक जाते हैं, एक पट्टी का शेप आ जाता है, इसलिए आपको पीछे जो निडल वाला होता है कॉम, उससे आपको अच्छे से प्रेस करना है और इस तरह से घुमाते जाना है, रोटेट करते जाना है। देन थर्ड सेक्शन भी आपको स्प्रे करना है और स्प्रे से कॉम से चिपकाना है एक पट्टी की तरह, जैसे मैंने आपको दोनों सेक्शन का बताया था, इसी तरह आपको थर्ड करना है। फिर आपको रोटेट करना है और बॉबी पिन से अटैच करना है। इस तरह से हमारी तीनों जो नीचे जो हेयर थे उसको राउंड करते थ्री राउंड के शेप में आएगा। फिर आपका हेयर स्टाइल कंप्लीट है, देख सकते हैं किस तरह से आपका प्यारा सा हेयर स्टाइल बना है। इसको आप जूड़े भी बोल सकते हैं, क्राउन शेप भी बोल सकते हैं, मॉडलिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं इस हेयर स्टाइल को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।